जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप सभी का स्वागत है पॉली गुरु जी में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कैपेसिटर के बारे में, संधारित्र क्या होता है। तो संधारित्र देखिए एक ऐसी युक्ति है जिसमें मतलब कि उसका आकार नहीं चेंज होगा और अपार ऊर्जा ऊर्जा आवेश आप उसमें एकत्रित कर सकते हैं। जैसा कि देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है, यह एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। मतलब कि आप उसमें एकत्रित कर सकते हैं, उसका आकार नहीं बदलेंगे, कितना भी संचित हो सकता है उसके समय पर निर्भर करेगा। और कैपेसिटर को अगर साफ साफ कहा जाए तो कैपेसिटर जो होता है वो आप सुने होंगे या दुकान पे कभी गए होंगे लाने के लिए, उसको कहते हैं कंडेंसर। उसको क्या कहते हैं? कंडेंसर। ठीक है, कैपेसिटर जो होता है वो कंडेंसर की भांति ही होता है। फिर इसमें लिखा गया कि यह एक विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाला दो सिरों वाला एक प्रमुख अवयव है। अर्थात कैपेसिटर के संधारित्र के कितने सिरा होते हैं? दो सिरे होते हैं। इसके दो मुख्य सिरा होता है, जैसे कि हम बात करेंगे आगे। तो आगे देख लीजिए, आगे ये है या कैपेसिटर बनता कैसे। तो कैपेसिटर के लिए कोई भी आप दो मतलब कि विद्युत परिपथ ले लीजिए या कोई भी दो विद्युत चालक अवयव ले लीजिए। अवयव लेने के बाद उन दोनों के मध्य कुछ ऐसा रख दीजिए जिससे कि एक चालक से दूसरे चालक पे आवेश प्रवाहित न हो, तो वही संयोजन ही क्या कहलाता है? कैपेसिटर कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं कि कैपेसिटर कितने प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो यह तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। पहला जो है, पहले को सिलिंड्रिकल कहते हैं। पहले क्या कहते हैं? सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, और दूसरे को पैरेलल कहते हैं, पैरेलल कैपेसिटर, और तीसरे को स्फेरिकल कहते हैं अर्थात गोलीय कहते हैं। पहला क्या था? सिलिंड्रिकल, दूसरा पैरेलल, तीसरा स्फेरिकल। सिलिंड्रिकल, तो सिलिंड्रिकल आप लोग देखेंगे कुछ इस तरह से होता है, ऐसा एक जो तार होता है वो बाहर वाले से निकला होता है और एक जो तार होता है वो अंदर वाले से निकला होता है। इनके बीच ये जो गैप आप देख रहे हैं, इनके बीच ये जो गैप है, ये वाला गैप, ये वाला, इसमें ऐसा पदार्थ भर दिया जाता है जिससे कि एक प्लेट का आवेश दूसरे प्लेट पे न जाए। तो ऐसा ऐसा ही देखे होंगे आप लोग, इसी को कंडेंसर कहा जाता है। तो ये कौन सा था? तो ये था सिलिंड्रिकल वाला। ये कौन सा था? तो ये है सिलिंड्रिकल। ठीक है, ये पहला सिलिंड्रिकल, दूसरा पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है? तो इसमें दो प्लेट होते हैं, दो समांतर प्लेट रखे जाते हैं। जैसे कि ये देख लीजिए आप, इसको कहते हैं पैरेलल। इसमें भी एक तार होता है और एक तार इसमें लगा होता है। तो ये हो गया पैरेलल प्लेट। इसके बीच में जो होता है वो ऐसा माध्यम रहता है कि मतलब कि आवेश का प्रवाह न हो। और एक चीज़, कैपेसिटर से कभी भी डीसी मतलब कि डीसी सर्किट या डीसी डायरेक्ट करंट जो होता है वो प्रवाहित नहीं होता, बैटरी से प्रवाहित नहीं होता, वो हमेशा उस एसी को ही प्रवाहित करता है। ये हो गया, ये पैरेलल है। स्फेरिकल, गोलीय खोल आप लोग देखे होंगे कुछ इस तरह से। वृत्त के आकार का होता है, एक ये सिरा हो गया, एक ये सिरा हो गया। तो ये गेंद की तरह ऐसे होता है, गेंद की तरह पूरा चलो से। तो ये है गोलीय खोल वाला, और ये है पैरेलल वाला, और ये है स्फेरिकल वाला। तो इस तरह से ये कैपेसिटर होता है तीन तरह का। तो कैपेसिटर
मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको कैपेसिटर समझ में आया। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर देखिए, दो ऐसी युक्ति को लीजिए जिसमें विद्युत प्रवाह हो सके और उनके बीच ऐसा माध्यम उपस्थित कर दीजिए जिससे कि इन दोनों के बीच आवेश का आदान प्रदान न हो, अर्थात माध्यम टूट जाए। और एक यह एक ऐसी युक्ति होती है जो बिना इसकी आकृति परिवर्तन किए, मतलब इतना छोटा है तो आप इसमें कितना भी आवेश जो है वो संचित कर सकते हैं, ऊर्जा जो है वो संचित कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कैपेसिटर और कैपेसिटर का प्रकार। अब पढ़ेंगे उपयोग कहाँ कहाँ होता। तो संधारित्र का उपयोग जो है वो पहला आपका आवेश को, पहला जो है वो आवेश आवेश का संचर करने में, मतलब क्या संचर करने का मतलब क्या कि संचर मतलब ये होता है कि एकत्रित करने में, इकट्ठा करने में आवेश को वो अपने अंदर एकत्रित कर सकता है। उस समय पे निर्भर करता है कितना समय तक आप उसको चार्ज कर रहे हैं। दूसरा जो है वो जिस प्रकार आवेश को संचित करता है ठीक उसी प्रकार ऊर्जा को संचित कर सकता है। दूसरा उसका किस में प्रयोग कर सकते हैं, तो ऊर्जा को संचित करने में भी, दूसरा उसको ऊर्जा को संचित करने में भी प्रयोग करते हैं। तीसरा, तो तीसरा जो है वो वैद्युत उपकरणों में, किस में प्रयोग करते हैं तीसरा, वैद्युत उपकरणों में। जैसे वैद्युत उपकरण का मतलब कि जैसे कि पंखा हो गया आपका, फिर से मोटर हो गया, ऐसे करके बहुत कुछ होते हैं उनमें इसका जो है कि प्रयोग किया जाता है। और चौथा जो है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में भी इसका उपयोग किया जाता है। और पांचवा जो है वो वैज्ञानिक अध्ययन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये है इसके पांच उपयोग, और भी होंगे। इस वीडियो में इतना ही। जी हाँ दोस्तों, हम अगले वीडियो में बात करेंगे कैपेसिटर के, मतलब संधारित्र की धारिता के बारे में, और जो है संधारित्र के संयोजन के बारे में। बस अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरे YouTube चैनल को। बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।